हम सिस्टर रीमा से गीत सुनेंगे। सिस्टर रीमा जी, आप अपना गीत शुरू कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जी भाई जी, ब्लेस यू। पर वो सबको आशीष दे। अपनी डोला को लेने ऐसू राजा आएगा, अपने डोला को लेने ऐसू राजा आएगा, जिनके जाएगा जिनके अपने डोला को लेने यीशु राजा आएगा, अपने डोला को लेने यीशु राजा आएगा। डोला वो खोला, नहीं खोला कुर्सी सुनेंगे सिस्टर रिपन से। नाउ वी गोइंग टू हियर अदर सॉन्ग।
by Sister Rebecca. And she's going to sing the song in Hindi. So over to you, Sister Rebecca. God bless you. पोस्ट किया है, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हिंदी में तुमने स्क्रिप्ट डाल दिया है, ये गाना इस पर हिंदी में गाएंगे। हम इस गाने को फॉलो कर सकते हैं, जिनको हिंदी पढ़नी आती है वो हिंदी में इस गाने को देख सकते हैं माध्यम में। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ओवर टू यू। मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा
एंड गॉड ब्लेस यू. आमीन आमीन आमीन. बड़ा गीत हमने सुना कि प्रभु मुझे पवित्र बना दे, मुझे शुद्ध कर दे ताकि तेरे जैसा. हम सब यही चाहते हैं, हम सब की यही विनती है, हम सब की प्रार्थना है कि हम प्रभु के जैसे दिखें, प्रभु के जैसे बन जाएं. कि प्रभु वचन है और हम वचन के जैसे बन जाएंगे तो हम प्रभु के जैसे बनेंगे, तभी हम प्रभु से मुलाकात कर पाएंगे, तभी हम प्रभु के साथ जा पाएंगे. वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग. That the prayer is that may the Lord make us holy and pure so that we should resemble the personality of Jesus Christ, so that when we look, when we become alike to Him, then He will take us and we will be a part of Him, and then we can spend eternity with Him. And in His leadership only we want to work. Beautiful song that sister sang in Hindi. God bless you, sister. Now we will hear another song. अब सिस्टर रूथ के साथ हम गीत सुनेंगे. और सिस्टर रूथ आप तैयार है? You are ready, sister? God bless you. God bless you. आप अपना गीत स्टार्ट कर सकते हैं. God bless you. हाँ जी, प्रेज़ का लॉर्ड सभी बहन भाइयों को. God bless you. प्रभु के महिमा के लिए एक गीत गाएंगे. पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे, पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे. पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे, पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. पल्ला 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 तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. पल्ला तेरा पढ़े पार लंग पता सारी दुनिया प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया प्यार मेरा यीशु है. टूटे हुए दिल दा करार हुणे यीशु है, टूटे हुए दिल दा करार हुणे यीशु है. पाके यहोवा नाले जिंदगी बितावांगे, पाके यहोवा नाले जिंदगी बितावांगे. यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे ते असी गावांगे. पल्ला तेरा पढ़े पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. पल्ला 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 तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. पल्ला तेरा पढ़े आते पार लंगे जावांगे. तेरा इंतजार तेरी उड़ीकाने, तेरा इंतजार तेरी उड़ीकाने. चेती चेती दसी कदूं दीत कानी, चेती चेती दसी कदूं दीत कानी. रब्बा तेरी बंदगी चे जिंदगी बितावांगे, रब्बा तेरी बंदगी जिंदगी बितावांगे. तेरा इंतजार होने तेरिया उड़ीकाने, तेरा इंतजार तेरिया उड़ीकाने. चेती चेती दसे कदूं दीत काने, चेती चेती दसे कदूं दीत काने. रब्बा तेरी बंदगी चे जिंदगी बितावांगे, रब्बा तेरी बंदगी चे जिंदगी बितावांगे. यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे.
यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे गीत अति गावांगे, पल्ला तेरा फड़िया ते पालना जावांगे, पल्ला तेरा फड़िया ते पालंगे जावांगे, पल्ला 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 तेरा फड़िया ते पार ना जावांगे, पल्ला तेरा फड़े पार लांगे जावांगे। आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर दैट इफ वी होल्ड ऑन टू आवर लॉर्ड, हमने प्रभु का दामन हम थामे रहते हैं तो हम पार लग जाते हैं। दैट मींस वी शुड स्टे विद द वर्ड, वी शुड स्टे विद द लॉर्ड, हम प्रभु का हाथ थामे रहें तभी हम संसार की जो पाप की दुनिया है इससे हमारा बेड़ा पार होगा, तभी हम प्रभु के साथ अनंत जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छा गाना, वेरी एनकरेजिंग सॉन्ग, वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रूथ बाय लेखरा जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम बहुत बहुत आशीष। आमीन ब्रदर। अब हम तैयार हैं कुछ समय बिताने के लिए प्रभु के वचन के लिए, कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है आज के सबक में, आज के लेसन में। और प्रभु का वचन ही हमारे लिए अनंत जीवन है। और जब भी हम आराधना करते हैं, जब भी हम इकट्ठे मिलते हैं, तो हम प्रभु के वचन से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हमें ना केवल ज्ञान मिलता है बल्कि हमें वो आत्मिक उन्नति और आत्मिक भरोसा और आत्मिक आशा हमारी और बुलंद होती है प्रभु में। ये अब ये समय है कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, बाइबल का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब को सलाम करता हूं। We once again thank God for keeping us in His grace and providing for us and blessing us and our families. और हम प्रभु का शुक्रिया अदा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमें और हमारे पूरे परिवार सभी को। We can become lazy, we can go to sleep, but our Lord is always alert, He is always awake and He is always around us. हम सुस्त हो जाते हैं और हम सो भी जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर ना थकता है और ना सोता है वो। So we are so thankful to our Lord all time. इसीलिए हम प्रभु परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते हैं। As long as we are on this earth, we have to continue to be faithful and to be continued to be alive spiritually also. और जब तक हम इस संसार में हैं, जीवित हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना है और आत्मिक तरीके से हमें जागृत रहना है। And every time when we meditate on the word of God, we receive a lot of power and strength to continue. जब भी हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत सारी सामर्थ्य मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है और हमें आगे डायरेक्शन सिधाई मिलती है। We know that in this world we are always influenced and affected by the tricks of the devil. He is always around to influence us and to affect us. और हम देखते हैं कि हम अब तक जब तक इस संसार में हैं तो हम शैतान की बहुत सारी चालें देखते हैं, वो हमें फंसाने की कोशिश करता है। But we can only overcome by the word of God. लेकिन हम उनसे सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। And as we read in the book of Ephesians,
और जब हम प्रभु के वचन इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, And as we read today, we are not having Brother Krishna with us. So, Brother R.K. Joshua ji, to see Bible the ayatna, the osake, the Hindi which to see laga sakde ho. Okay, bro. So, as we read, thank you, brother. So as we read through the book of Ephesians, और जैसा कि हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, और इफिसियों के छठे बाब की कुछ आयतों पर अगर हम ध्यान रखते हैं और उसके छठे अध्याय में कुछ आयतों को अगर जब पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस रसूल जो है, पौलुस जो प्रेरित है, वो इफिसियों की कलीसिया को मजबूती दिलाने के लिए और बहुत प्रेरित करता है। He encourages the church in Ephesia. The Paul is संत पुलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, हिम्मत बांध रहा है उनकी। As we read in the 10th verse of Ephesians chapter 6, और जब हम 6 की 10 आयत पढ़ते हैं, and it says there, यहाँ लिखा है, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. पर मैं इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11th verse, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12th verse, we do not wrestle against the flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this age, against the spiritual hosts of the wickedness, the heavenly places. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और उसके अधिकारियों से और इस संसार के अंधकारों के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Now here in the 12th verse, brethren, we see that Paul is telling to the brethren that we have a war not only in the flesh but in the heavenly places, that means we have a spiritual war. और यहाँ पर देखिए जो प्रभु का दास बता रहा है कि युद्ध है और ये युद्ध सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, इस पृथ्वी आकाश में भी जो है उसमें भी है। Because when we are children and we trying to follow the Lord, we trying to follow the commandments of God, then the devil is becoming more and more strong enemy for us. और जैसा जैसा हम प्रभु परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वैसे ही शैतान हमारा दुश्मन बनता जाता है। So we have to really work hard to overcome the temptations, to overcome the plans of devil. तो इसीलिए हमें और भी ज्यादा तगड़ाई से हमें आगे निकलना है और इन चीजों से, शैतान की चालों से हमने जीतना है। Devil is very, very alert against those people who want to follow Christ. और शैतान उनके प्रति ज्यादा ध्यान देता है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। Because those who belong to him, those who are on his side, he doesn't have to work hard to keep them. क्योंकि जो उसकी ओर है उन्हें तो कुछ ज्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। They are already his side. जो ऑलरेडी शैतान की ओर है। But devil is very watchful and careful about them who want to follow and who want to reach the eternal life. इसीलिए शैतान उनके ओर ज्यादा ध्यान देता है जो उसकी ओर नहीं, प्रभु की ओर है, प्रभु के साथ चलते हैं। And those who are the children of God, they are always very careful. They know that devil is always around. इसीलिए प्रभु के भी बच्चों को बहुत ज्यादा ही जागृत रहना है कि उनके आसपास क्या चलता है। We know that devil is also a spirit. हम जानते हैं कि शैतान भी आत्मा है। And there are many angels who came down from heaven, who were thrown down from heaven along with the main
एंजल लूसीफर दे आर आल्सो अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। हम जानते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते जो स्वर्ग से गिरा दिए गए और उनका जो मुखिया जो लूसीफर है वो भी गिरा दिया गया। एंड दे आर डे एंड नाइट वर्किंग टू स्पॉइल द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए वो दिन रात कार्य करते रहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को खत्म कर दें। But God is protecting his people. लेकिन परमेश्वर भी अपने लोगों की सुरक्षा करता है। Because God knows his people. क्योंकि प्रभु अपने लोगों को पहचानता है। The Lord said that my sheep hear my voice. और प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती हैं। And they follow me. और मेरे पीछे चलती हैं। And I know them by their name. और मैं उनको नाम से जानता हूँ। So we have a relationship with our Lord. इसीलिए हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है। At the same time, we have great difficulty in this world as the devil is concerned. उसी के साथ हमें साथ में बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं जो शैतान के कारण होती हैं। The life of a Christian is not easy. मसीह जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। Because the life of our Lord on this earth was not easy. प्रभु जो हमारा प्रभु भी जब इस संसार में आया तो उसका जीवन आसान नहीं रहा। He was born on this earth as a son of God. वो यहाँ इस संसार में परमेश्वर के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। In the beginning he was with the Lord, with his father God. In the beginning he was the Word and was with God. वो आदि में वो वचन ही था जो परमेश्वर के साथ था। But God had to give him a body, human body, so that God can complete the work of redemption. प्रभु ने उसे एक शरीर देना था, एक बदन देना था, ताकि छुटकारे का कार्य पूरा हो सके। And in the human body, he became like us. वो इसीलिए हमारी तरह एक मनुष्य वाला शरीर लिया उसने। He had the same flesh and bones like we have. और उसके भी वही शरीर, वही अंग, वही हड्डियां थी जैसा हमारी होती हैं। He could be tested and tempted like we are. और जिस तरह वो परीक्षाओं में गुजरा, हम भी गुजरते हैं। And when we say tempted, not tempted by God, but tempted by devil. और जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो इसका अर्थ परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से। God does not tempt anybody. परमेश्वर किसी को नहीं परखता। It is the devil who does it. ये शैतान है जो परखता है। And devil tempts more those people who are close to God. शैतान उनको परखता है जो प्रभु के नजदीक होते हैं। That is why those who want to follow God, they must be strong and they must overcome the devil every day. और इसीलिए उन्हें मजबूत होना है, शैतान को हराना है और आगे बढ़ना है। Overcoming the devil and continue to run the race is our duty. शैतान को हराना और मजबूती से आगे बढ़ते रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। But as human being, we cannot do this. पर एक इंसान होने के नाते हम इसे नहीं कर सकते। We cannot do any good work. और हम अच्छा कार्य भी नहीं कर सकते। We have no power in ourselves. हमारे अपने में इतनी ताकत नहीं। But we draw power, we take power from the word of God. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन से ताकत मिलती है। And that's why when we read in the 12th verse here in Ephesians chapter 6. इसीलिए जब हमने ये 12 आयत पढ़ी। So he says that our war is not only physical but it is a spiritual war. कि हमारा जो युद्ध जो है वो शरीर से नहीं बल्कि आत्मिक सेनाओं से है। He is referring to the rulers of the dark age, darkness of the age. और यहाँ पर वो उस अंधकार की ताकत के बारे में बता रहा है। And they are the spirits which are wicked spirits. और ये वो आत्मा है जो धोखे का दुष्ट आत्मा है। And the devil comes to us in many ways. और शैतान हमारे पास कई तरीकों से आता है। He is very clever. बड़ा वो बहुत ही चलाक है। He comes to us sometimes as angel of God. कई बार तो वो फरिश्तों का भी रूप धारण करके आ जाता है। And he comes to us in the form of a good preacher.
कई बार तो वो एक अच्छा पास्टर बन के भी आ जाता है, एंड ही कैन कम टू अस लाइक ए गुड फ्रेंड, कई बार अच्छा दोस्त बन के भी आ जाता है, एज ए गुड लाइफ पार्टनर, कई बार अच्छा जीवन साथी। ही शोज हिमसेल्फ हिज कैरेक्टर इन मेनी मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, और उसका इन संसार में बहुत सारे रूप हैं उसके, एंड ही शोज इन सच ए फॉर्म दैट वी कैन बी डिसीव्ड, और इस तरह बन जाता है कि हम धोखा खा जाएं। The whole purpose of devil is so that we should not believe the word of God. जो पूरा मकसद है जो शैतान का, वो ये है कि हम परमेश्वर के पीछे ना चलें, उसके कलाम पर विश्वास ना रखें। He doesn't want us to go to heaven. वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाएं। He wants to take most of the people, most of the creation with him to hell. इसीलिए उसने से इस बहुत सारी चीजों को अपने पीछे नरक में ले गया है। He wants all of us to go to hell. वो हम सबको चाहता है साथ नरक लेके जाना। Because the God created hell not for us, God created hell for those fallen angels. प्रभु ने जो नरक बनाया वो हमारे लिए नहीं बल्कि उन गिरे हुए फरिश्तों को लिए बनाया था। God wants us to stay in heaven with him as sons and daughters. प्रभु चाहता है कि हम उसके पास स्वर्ग में रहें बेटे और बेटियां बनकर। It is those angels whom God created before the man that those they became they had fallen and they had gone against God. ये वो फरिश्ते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले बनाए, जो ईमानदार नहीं निकले और स्वर्ग से गिरा दिए गए। And their influence is still there in this world, and even their spirits are hanging in the sky, in the heaven. इसीलिए उनका जो असर है इस पृथ्वी पर, बल्कि वो अभी भी आकाश में कार्य करती हैं। And they are every day attacking us. वो हर रोज हमला करती हैं। That is why it is important for us to stay with the Word of God every day. इसीलिए हमें हर रोज वचन में बने रहना है। We have to keep on cling, keep on holding the sheet and keep on holding. Now Paul is telling here in the verses down below that how we have to cover ourselves. इसीलिए जैसा पुलुस बता रहा है इन आयतों में हमें हथियारों को बांध लेना है। He says in verse 13. 13 में. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand. In the evil day and having done all to stand. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। And 14 verse, stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate of the righteousness. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। That means we must know what is the truth. इसीलिए हमें सत्य पता होना चाहिए। We know what is the truth. The word of God is the truth. और हम जानते हैं सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। And having put on the breastplate of righteousness. और धार्मिकता की जिलम जो पहननी है। Because righteousness is very essential to live a righteous and pure and holy life is very essential for a believer. और एक विश्वासी के लिए धार्मिक जीवन जो है बहुत ही जरूरी है। And living that right life of righteousness is like a breastplate which holds us, which protects our heart, our body and our soul against the devil. और धार्मिकता का जीवन जीना हमें एक तरह से हर तरह के शैतान के हमलों से बचाता है, जो हमले होने हम पर, हमारे हृदय पर, हमारे जिस्म पर, हमारी जान पर होते हैं, वो एक शील्ड बनकर धार्मिकता का जीवन हमें बचा लेता है। And we cannot be righteous by our own wisdom, our own skill and our own effort. लेकिन हम अपने अकल बुद्धि ताकत से नहीं हम धार्मिक बन सकते। We need the truth. हमें सत्य की जरूरत है। And word of God is the truth. और परमेश्वर का वचन ही सत्य है। That is why he says you must be girded in your waist with truth. इसीलिए लिखा है कि
कि सत्य से अपनी कमर कस लो। 15th verse he says, 15 है तो, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, और अपने पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो। That means you should be always ready to move around, to go ahead with this gospel. इसी का अर्थ है कि हमें हर समय तैयार रहना है परमेश्वर के इस प्रचार को, परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए। He says further in the 16th verse, और 16 आयत में लिखा है, We should be ready with the shield of faith so that we should be able to stop and quench the darts which come from the wicked one. और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। The darts of devil come to us so that our faith should fail. और शैतान इसीलिए आता है कि हमारा विश्वास जो है वो ना रहे। So we must hold on to our faith. इसीलिए हमें अपने विश्वास को पकड़े रहना है। He will attack in many ways, in different ways to spoil our faith. वो अलग अलग तरीकों से हम पर हमला करता है हमारे विश्वास को गिराने के लिए। But if we hold on to the faith, लेकिन अगर हम विश्वास को पकड़े रहते हैं, then we can fight very well. तो हम बड़े अच्छे तरीके से युद्ध लड़ सकते हैं। In 17th verse he says, 17 में लिखा है, Take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. और उसके साथ विश्वास की ढाल लेकर और परमेश्वर और उद्धार का टोप परमेश्वर की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। So we know that when we fight the war, we should have a sword with us which can attack and it can kill the enemy. इसीलिए हमें पता है जब युद्ध होता है तो तलवार की जरूरत होती है दुश्मन को खत्म करने के लिए। In the Bible, the word of God is compared to the sword. इसीलिए परमेश्वर के वचन को तलवार के साथ मिलाया गया है। Because when this word of God was written in the olden times, there were no bombs and guns available. जी, क्योंकि जब ये वचन लिखा गया उस समय में जो बंदूकें एक नहीं होती थी। Modern technology was not there. और जो आज के युग वाले हथियार है तब नहीं होते थे। every day and every normal war, every war was fought with the help of sword. इसीलिए सारे लड़ाइयां युद्ध जो थे वो तलवारों से लड़े जाते थे। and the soldier had to wear the helmet. और जो फौजी सैनिक होता था उसे सर पर एक टोपी रखनी होती थी। The helmet was essential. It was useful to protect us from the attack of the sword from the enemy. और जो हेलमेट होता था वो दुश्मन के वार से बचा लेता था। So we should be wearing the helmet. तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है। And what is that helmet? और ये हेलमेट क्या है? Helmet is our salvation. जो हेलमेट है वो हमारी मुक्ति है, हमारा उद्धार। We remain in the condition of salvation when we continue faithful and continue to stay with the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हम उस उद्धार मुक्ति में बने रहते हैं। So we are wearing word of God on our head. तो हमें परमेश्वर के उस वचन को अपने सर पे रख लेना है। So it acts like a helmet. ये दे हमारे लिए एक हेलमेट का काम करेगा। Then when the sword from the devil comes and attacks us, जब शैतान हमला करने आएगा, that helmet protects us. तो ये हेलमेट हमें बचाएगा। And again, the same word of God works as a sword also for us. और यही परमेश्वर का वचन तलवार की जगह पर भी काम करता है। And because the spirit of God helps us to become a sword for the devil. और परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए मदद करता है और तलवार बन जाता है। 17th verse he said, the sword of the spirit which is the word of God. और 17 में लिखा कि परमेश्वर का वचन जो तलवार है। And now how can we do all this? लेकिन हम ये सारा कैसे कर सकते हैं?
तो हमें परमेश्वर के सामर्थ को अपने साथ लेना है। तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहना है। And in 18th verse he says what is important. और 18 आयत में लिखा है कि सबसे जरूरी क्या है। Praying always with all prayer and supplication in the spirit. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। Word of God says, I will pray and I will pray in spirit and in understanding. बाइबल प्रभु का वचन कहता है मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना अपनी समझ से भी करूंगा in the spirit also. और आत्मा के साथ भी करूंगा। And being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. और जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। And Paul is giving very encouraging words here to the Ephesian believers. और पौलुस यहाँ इफिसियों की कलीसिया को बहुत ही हिम्मत बांध रहा है। He says we must be always watchful. उसने कहा कि हमें हमेशा से ही जागृत रहना है। The moment we become careless, the devil will take us. जब हम अलर्ट नहीं रहते, शैतान वहां कामयाब होता है। When we know that we are in the enemy territory and enemy is active around us, then we don't even sleep. जब हमें पता है कि शैतान के एरिया में है और शैतान चारों दुश्मन चारों तरफ घूम रहा है, तो हमें होशियार होना है। And here, because our war is with the principalities and those spirits of the air. क्योंकि हमारा जो युद्ध है उनसे है जो आत्माएं हैं और आकाश में है। Therefore, we must be spiritually awake. इसीलिए हमें आत्मिक तौर पर जागृत रहना है। We should not be found sleeping. हमें spiritually. आत्मिक तौर पर सुस्त नहीं होना, सोना नहीं। If we think that we are safe and we don't need any more protection by the word of God, this is the time the devil will take us. जब हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमें अब और ज्यादा जरूरत नहीं है सुरक्षा की, तो शैतान हमला करता है। We should continue to work with our protection. हमें लगातार अपनी सुरक्षा के लिए जागते रहना है। That is why, as soldier of God, as soldier of Christ, we must be very, very alert all time. इसीलिए जो प्रभु का योद्धा है, वो बहुत जागृत है। Devil is very clever. शैतान बहुत चलाक है। He is more clever than us. वो हमसे ज़्यादा चलाक है। That is why, in Garden of Eden, he could attack the human being. इसीलिए बाग अदन में उसने हमला किया। He attacked the creation of God. उसने प्रभु की रचना पर हमला किया। And he did not attack the animals and birds. उसने जानवरों पर और पक्षियों पर हमला नहीं किया। He attacked the human being. उसने मनुष्य पर हमला किया। Because he knows that God has created human being in the image, in his own image. क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप में बनाया है। Because we as human being have a spiritual nature. क्योंकि हमारा मनुष्यों का आत्मिक स्वभाव है। Because God is spirit. क्योंकि प्रभु आत्मा है। And we are created in his image. और हम उसके ही छवि में बनाए गए हैं। So we are a spiritual being. तो हम आत्मिक जन भी हैं। We also have a body like the animals and the birds have got. हमारे पास वो शरीर है जैसा बाकी जानवरों और पक्षियों के पास है। So partly we are, partly in a part we are similar to animals and birds. तो कुछ हद तक हमारे पास वही है जो जानवरों के पास भी है। But we are more superior. लेकिन हम थोड़ा उनसे ऊपर हैं। Because we have the spirit of God in us. क्योंकि हमारे पास प्रभु का आत्मा है। And animals and birds and other creatures don't have the spirit of God. इसीलिए पक्षियों और जानवरों के पास आत्मा नहीं है। They just have life. उनके पास जीवन है।
दे आर लिविंग एंड व्हेन दे आर डेड दे आर फिनिश्ड। वो जीते हैं और मरते हैं। बट एज ह्यूमन बीइंग व्हेन वी डाई वी डू नॉट कंप्लीटली वी आर नॉट कंप्लीटली फिनिश्ड। लेकिन हम जो मनुष्य जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो उस हम उसके बाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। आवर बॉडी विल डाई एंड आवर बॉडी विल गो टू डस्ट बिकॉज़ इट केम फ्रॉम डस्ट। हमारा शरीर मिट्टी में चला जाता है क्योंकि ये मिट्टी से ही आया। बट आवर सोल एंड द स्पिरिट लीव्स द बॉडी। लेकिन हमारे आत्मा हमारी जान वो हमारा शरीर छोड़ देती है, निकल जाती है। इट स्टेज अलाइव अंटिल द डे ऑफ जजमेंट और अंटिल द डे ऑफ रिजरेक्शन। और ये पहुंच जा रुक जाती हैं जब तक प्रभु का दिन नहीं आ जाता न्याय का। Until we are resurrected. और जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाता। Because the resurrection will happen for good and bad both. क्योंकि पुनरुत्थान तो अच्छे और बुरों सबका भी होना है। Because the judgment will take place only after this death. क्योंकि जो न्याय है वो मरने के बाद ही होता है। We will be judged according to the life we live on this world, in this world. और हमारा न्याय होगा कि हमने कैसा जीवन जिया है। The believers will be judged and will be crowned. और जो धर्मी है वो न्याय करेंगे और उन्हें 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 सर का ताज भी मिलेगा। The judgment for a believer is the reward. जो धर्मियों की न्याय है वो सिर्फ उनको ताज मिलेगा, ताज ताज का उनका न्याय होगा। But the judgment of unbeliever will send him to the fire. लेकिन जो अनविश्वासियों का न्याय है वो उन्हें नरक भेजेगा। But the judgment is necessary. लेकिन न्याय होगा। And judgment is more severe and more strict for unbeliever. और जो अनविश्वासी है उनके लिए न्याय तो बहुत ही सख्त होने वाला है। The believer will not be judged for their sin after resurrection. लेकिन जो धर्मी है वो जीने के बाद उनके पापों का न्याय नहीं होगा। Because their sins are already forgiven. क्योंकि उनके पाप तो पहले ही माफ कर दिए गए हैं। Jesus took our sins as believers on the cross. और प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। As long as we are protected by the word of God with the helmet and the sword, और जब तक हम प्रभु के वचन में उस हेलमेट में प्रभु के तलवार आत्मा की तलवार में सुरक्षित हैं, we are protected. हम सुरक्षित हैं। Then we receive the reward. फिर हम इनाम पाएंगे। But if we don't wear these protections, लेकिन अगर हमने ये हथियार नहीं बांधे, if we are not faithful, हम ईमानदार नहीं रहे, if we are not running well in the race of life, और हमने जीवन की इस दौड़ को सही तरीके से नहीं किया पूरा, then we are in a very dangerous condition. तो हम बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति में होंगे। That is why Paul is giving alert and caution to the Christians here. इसीलिए पौलुस जो है यहाँ चेतावनियां दे रहा है इफिसियों की कलीसिया को। He is writing to the Christians of that age in Ephesus. और उस समय की कलीसिया जो इफिसिया में है वह उन्हें चेतावनी दे रहा है। And if we are also believers and Christians of today, और आज अगर हम ईमानदार विश्वासी हैं, then this applies to us today. तो ये हमारे पर लागू होता है। As if it is written for us today. और जैसा कि आज हमारे लिए ये लिखा है, That is why it is the part of the word of God. इसीलिए ये प्रभु के वचन का हिस्सा है। All the letters and all the scriptures which are written after the four gospels, they are the letters written by Peter, by Paul, by John and other apostles. They are for our benefit. जो भी चार इंजील के बाद जो भी पत्रियां लिखी हैं पौलुस की, योहन्ना की या पत्रस की, वो सब हमारे फायदों के लिए ही है। Because all the original Christianity is needed today. क्योंकि आज जो असली मसीहत है उसकी जरूरत है। We
have to be the same level of believers like in the first churches. और हमें वो ही जीवन जीना है जो पहली कलीसिया का जीवन था. Because our faith is anchored on the teachings of apostles and prophets. क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो चेलों की तालीमों के ऊपर है. We believe the promises of God which was given from the beginning. हमें उन परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखना है जो उसने शुरू में हमें दिए. Those promises are found in the word of God. और वो वादे परमेश्वर के वचन में मिलते हैं. So we have to be in the word of God to know those promises. तो हमें परमेश्वर के वचन में होना है इनको जानने के लिए. And when we know those promises and we are faithful, then we will believe those promises. और जब हम वचन में पाए जाते हैं विश्वासी होते हैं उसमें. Because God gave those promises only for his children. क्योंकि परमेश्वर ने वो वादे सिर्फ अपने बच्चों को दिए हैं. So we have to be the children of God. तो हमें परमेश्वर के संतान बनना है. And how to stay and remain and become the children of God? और हम ये कैसे कर सकते हैं? When our souls are in the saved condition. जब हमारी जान सुरक्षित होगी. When our souls are in the redeemed condition. और जब हमारी जान सुरक्षित होगी. And our souls can has to be in the redeemed condition when we are yet alive. और जब हम चीज सुरक्षित तभी होगी जब हम जिंदा हैं. And our souls will be remaining redeemed and protected because of the full armor of God. और ये तभी सुरक्षित होती है जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांधते हैं. We don't need this armor when we are dead. जब हम मर जाएंगे फिर हमें इन हथियारों की जरूरत नहीं होगी. Because a dead body cannot fight. क्योंकि मृत शरीर लड़ाई नहीं लड़ता. And if we die in sin, then we die forever. अगर हम पापों में मर गए तो हम हमेशा के लिए मर जाएंगे. And if we leave this body in the saved condition, then devil cannot capture, devil cannot touch this my body and your body. अगर हम जीवते हुए परमेश्वर के इन हथियारों को बांधते हैं तो शैतान तो हमें छू भी नहीं सकता. Because then God will resurrect our body like he resurrected the body of इसीलिए वो हमारे शरीर को जिंदा कर लेगा जैसा उसने प्रभु को किया. So we should not worry so much about our body because God will take care of it. तो हमें अपने शरीर के लिए ज्यादा चिंता नहीं रखनी. We must be more careful about our soul. तो हमें अपनी जान की चिंता रखनी है. Because if my soul is protected. क्योंकि अगर मेरी जान सुरक्षित है. If my soul is redeemed. और मेरी जान बचाई हुई है. My body will be redeemed on the day of rapture. तो मेरा शरीर भी उस दिन बचा लिया जाएगा. Because today my body can die because it is made of dust. क्योंकि आज मेरा शरीर मिट्टी में जा सकता है क्योंकि मिट्टी से बना है. But my soul is not made of dust. देखो मेरी जान मिट्टी से नहीं बनी. My soul is the soul. It is my nature, my character, which stays with the Spirit of God. और मेरा जो soul है, वो मेरा स्वभाव है, जो परमेश्वर के आत्मा के साथ रहता है. When we know, when we become a living soul. और जब हम एक जीवित जान बनेंगे हैं. We are made of three things. तो हम उससे बने हुए होते हैं. We are made of three things. हम तीन चीजों से बनते हैं. We have the body which is from the dust. तो हमारे पास शरीर होता है जो मिट्टी से है. Flesh and blood is dust. और शरीर और खून मिट्टी से है. That is why it goes to dust. That is why it cannot go to heaven. इसीलिए शरीर और लहू मिट्टी में चला जाता है. Because it is grown as a small body to a big body. What we eat, it comes from the dust. क्योंकि जो भी हम मिट्टी से उगता है उसे खाते हैं फिर बढ़ते हैं. We drink everything, all type of liquid and water, and we drink all type of food and vegetables and meat, whatever we eat, it comes from the dust. जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, सब कुछ मिट्टी से आता है. And we know today the whole earth is under curse.
और आज सारी जमीन श्राप में है। We know from the time of Genesis when God said to Abraham, to Adam, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, No, when God said to Adam, जब परमेश्वर ने आदम को कहा, and he said the whole earth is cursed because of the sin, प्रभु ने कहा तेरे पाप के कारण सारी पृथ्वी श्राप में है। So God did not directly curse Adam. इसलिए परमेश्वर ने सीधा आदम को नहीं कर्ज किया, बट इनडायरेक्टली ऑल ऑफ एडम वाज आल्सो कर्स्ड एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग एंड ऑल द फ्रूट्स दैट एडम विल ब्रिंग दे विल बी अंडर कर्स्ड। लेकिन सारी पृथ्वी और उसके साथ सारा मनुष्य ही वो शराब में चला गया। बिकॉज एडम वाज आल्सो मेड फ्रॉम डस्ट, क्योंकि आदम भी मिट्टी से बना था। And when the whole earth is cursed, Adam is also cursed. तो सारा अगर पृथ्वी श्रापित है, तो सारा मनुष्य श्रापित है। Anything that Adam produces is a curse. जो भी आदम ने उगाया, वो श्रापित हो गया। Any children that Adam produces were under curse. जो भी बच्चे पैदा हुए, वो श्रापित हो गए। Any human being which is born on this earth is under curse. जो भी संसार में पैदा हुआ, वो श्रापित हो गया। We who are born from our parents, we are born in curse, and our parents and their parents remained in curse. और हमारे बुजुर्गों से जब पैदा हुए, श्रापित पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग उनके बुजुर्ग सब श्रापित पैदा हुए। But how will this curse be removed? पर ये श्राप कैसे मिटे? Because the breath of life and the spirit of life which God put inside the cursed body, that must be redeemed. क्योंकि जो प्रभु परमेश्वर ने जान उसके अंदर पाई, वो उससे अलग की। The Spirit of God is given to everybody. परमेश्वर ने अपना आत्मा तो सबको दिया। When the Spirit of God is given to us and it combines with our body, we become a living soul. जब परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे शरीर में डाला, तो हम जीवित प्राणी बने। Then with the combination of that Spirit and the body, we become living soul. और दोनों का जोड़ जब होता है, तो हम जीवित प्राणी होते हैं। And then we can make a choice. तब हमारे पास अवसर होता है, मौका, फैसले लेने का। We can make a choice to do good or to bad. तो हमें सही और गलत करने का दोनों का हमारे पास अवसर होता है। To remain faithful or to become unfaithful to God. विश्वासी बने रहें या अनविश्वासी बने रहें, We have the choice. हमारे पास ये मौका है। It depends how we use the choice. ये हम पर निर्भर करता है, हम क्या फैसला लेते हैं। We have freedom to use the choice. हमारे को पूरी आजादी मिली है फैसला लेने की। But word of God tells us that why it is dangerous to use the freedom in a wrong way. लेकिन प्रभु हमें बताता है कि उस आजादी से गलत फैसला लेना कितना खतरनाक है। Because our body is under constant attack. क्योंकि हमारा शरीर पर हमले होते हैं। And our soul is always fighting against the attack of the devil. और हमारी जो जान है, वो उन हमलों से मुकाबला करती है। If we don't fight, the devil will take over. अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे, तो शैतान ले लेगा हमें। And he will keep us as a slave until the day of the resurrection, when all unfaithful souls will be thrown in the fire with the devil. तो हमें उस दिन तक गुलामी में बनाए रखेगा जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाता। But for the faithful, पर जो विश्वासी हैं, they will, according to this Ephesians chapter 6, they will put on the whole armor of God. और वो इफ़सियां के अध्याय के मुताबिक सारे हथियार बांधेंगे। They will not only wear it for some time and remove it again. वो कुछ समय के लिए नहीं ये हथियार पाएंगे और उतार देंगे। When we are the soldier of God in this world, we are soldier of God for day and night, always. जब हम परमेश्वर के योद्धा होते हैं संसार में, तो हम दिन और रात उसके योद्धा हैं। We are whatever we are doing in this world, we are always
एज ए सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। जो भी हम इस संसार में करते हैं हम परमेश्वर के योद्धा हैं। व्हाटएवर वी डू जो वी कुछ मस्ट ऑलवेज डू विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड विद द फेथ। जो भी कुछ करनाते हैं हमें वो प्रभु की मदद से और उसकी सामर्थ्य से करना है। नथिंग एल्स कैन सेव अस। और कुछ नहीं हमें बचा सकता। जीसस क्राइस्ट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। In the human form, he paid the price for our sin. और मनुष्य शरीर में उसने हमारी कीमत अदा की। He went to cross 2000 years ago so that our sins can be washed away. वो 2000 साल पहले स्वर्ग चला गया ताकि हमारे पाप माफ हों। So when we confess our sin, जब हम अपने पापों का इकरार करते हैं, and when we believe in the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन पर ईमान रखते हैं, and then according to the commandment of the Lord, तो परमेश्वर के वचन के हुक्म के मुताबिक, and according to the preachings the church received by the apostles, और जो भी प्रभु परमेश्वर के दासों ने शिक्षाएं दी, after having faith and repentance, और जो भी परमेश्वर का वचन मिला, we are justified when we are baptized in the name of Lord Jesus Christ. तो हम परमेश्वर के वचन से तालीम पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। The baptism is not washing my sin. प्रभु पानी का बपतिस्मा हमारे पापों को नहीं धोता। Washing of my sin is done by the blood of Jesus Christ. प्रभु का जो हमारे पापों को वो प्रभु का लहू धोता है। But because baptism is a command. लेकिन बपतिस्मा प्रभु का हुक्म है and this command is from the mouth of Lord. और वो प्रभु के मुंह से निकला हुआ हुक्म है and baptism is going down completely in the grave of the water. और प्रभु का जो बपतिस्मा है वो हमें उस कब्र में ले जाता है going down in the water and coming out of the water. पानी में जाना और पानी से निकलना This is the commandment given by the Lord. ये प्रभु का हुक्म है। That's why we have to obey this command. वो हमें इसके पीछे चलना है। We to make the Lord happy, we have to obey His command. प्रभु को खुश करना है तो हमें हुक्मों को पूरा करना है। When we do this command, जब हम ये हुक्म पूरा करते हैं, then our sins are washed and we are justified from our sins. तो हमारे पाप धोए जाते हैं But our life does not stop there. पर हमारा जीवन वहां रुक नहीं जाता Because the sins we committed until that time they are washed away by the obeying the command and by believing and repentance. क्योंकि तब तक के जो गुनाह है हमारे वो प्रभु का वचन पूरा करने से साफ हो जाते हैं Justification is a process and it has many steps. और इसके बहुत सारे जो हैं स्टेप हैं। Justification will happen when we hear the word of God. और हमारे पाप धोए जाते हैं जब हम परमेश्वर का वचन मानते हैं। Justification happens when we believe the word of God. और हम उस विश्वासी हो जाते हैं जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं। Justification is another step when we confess that we are the sinners. और जब हम छुटकारा पा जाते हैं जब हम पापी होते हैं Justification happens when we are pricked in our heart and we are ready to repent and we repent. और जब हमारे दिल टूट जाते हैं परमेश्वर के वचन से तब बचाए जाते हैं Then when we go in the grave of the water and baptized in the name of Lord Jesus. तब हम उस कब्र में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं Then we are justified and our sins are washed away, the sins which we committed until that time. तब तक के लिए हम बचाए जाते हैं। But then we know and we have heard this lesson many times from the word of God. हम परमेश्वर के वचन से इसको बहुत बार सीख चुके हैं। Then we have to start living the life, a righteousness life by sanctification. तो हमें अपना जीवन धार्मिकता वाला साफ सुथरा जीना है to continue the life of righteousness, लगातार धार्मिकता का जीवन जीना है we must hold this helmet and sword and protection from the word of God. तो हम सभी को ये हथियारों को बांधना है we must be cleaned and protected
बाय द वर्ड ऑफ गॉड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट परमेश्वर के वचन से हमें साफ होना है. इफ वी डोंट वॉश आवरसेल्व्स डेली विद द वर्ड ऑफ गॉड अगर नहीं धोते अगेन द डस्ट विल कम ऑन आवर पर्सनालिटी ऑन आवर कैरेक्टर तो वो फिर धूल हमारे पास फिर आ जाएगी. एंड इट कम्स फ्रॉम द डेविल तो ये शैतान से आएगी. इट कम्स फ्रॉम द अर्थ व्हिच इज अंडर कर्स जो उस मिट्टी से आएगी जो श्रापित में है. इट कम्स फ्रॉम ऑल द टेम्पटेशंस एंड रॉन्ग थिंग्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर तो जो भी आसमानी ताकतें हैं परीक्षाएं की वो आएंगी. इट कम्स फ्रॉम ऑल द अटैक्स ऑफ डेविल एवरी डे इन आवर लाइफ तो हर रोज शैतान हमला करेगा. बिकॉज़ इवन दो वी आर जस्टिफाइड चाहे हमारे पाप साफ हो गए हैं द अटैक ऑफ द डेविल इज स्टिल देयर परंतु शैतान का हमला वहीं पर है. नाउ टू हाउ टू फेस दैट अटैक तो हम कैसे उसका मुकाबला करें. अगेन आई नीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है. दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द इन द इन द इन द लेटर्स ऑफ पॉल इसीलिए पौलुस की पत्रियों में ये लिखा है. एज ही हैज रिटन इन हिब्रूज चैप्टर 6 और इब्रानियों 6 में भी लिखा है दैट वी शुड नॉट फॉरसेक असेंबलिंग टुगेदर एज वी सी द डे अप्रोचिंग जैसे उसके आते के आने के दिन देखो एक दूसरे को मिलना ना छोड़ना. वी विल जस्ट रीड वन वर्स हियर फ्रॉम हिब्रूज हम ये बस आखिरी आयत पढ़ेंगे. In Hebrews chapter 6, Ibraniya 6, Hebrews chapter 10, Ibraniya 10, and we will read few verses here. Hum kuch ayatein padhenge. Here we will read verse 23, 24, 25 from the book of Hebrews chapter 10. Ibraniya aur uske 10 adhyay mein hum 23 ayat se padhenge. And here it says 23 verse, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है. Now this verse is applying to Christians who have been already justified. ये उनके लिए है विश्वासियों के लिए जो ऑलरेडी प्रभु ने जांच लिए हैं. Whose sins had been forgiven, those who were baptized in the name of Lord Jesus Christ. जिन्होंने तोबा की है और प्रभु का बपतिस्मा लिया है. But now are continuing the life of sanctification till they are on this earth. और अब जब तक प्रभु नहीं आता अपना जीवन पवित्रता वाला जी रहे हैं. Now he says. We must hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised us is faithful. उन्हें कहा कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से सामने रहो. That means you are continuing to remain alert and continuing to remain sanctified by the word of God and without wavering. That means without shaking. You should remain faithful because who has promised this? That means God is faithful. यानी कि तुम लगातार परमेश्वर के वचन को उसकी प्रतिज्ञाओं को लगातार थामे रहो विश्वास में बने रहो जब तक प्रभु नहीं आता क्योंकि वो And he is talking to them as an individual and also as a church, as a group of believers. तो वो एक ही भी और सारी कलीसिया के लिए भी बात कर रहा है. And he says in verse 24, let us consider one another in order to stir up love and good work. 25 आयत में
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कितनों की रीति है। ब्रदर प्लीज रीड वर्स 24। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। वी आर होल्डिंग आवर ओन होप एंड आवर ओन फेथ फॉर आवर सेल्फ इज वेरी गुड। हमें अपना ईमान विश्वास पकड़े रहना है, अच्छी बात है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ बिलीवर, एक ईमानदार की जिम्मेदारी है। First of all, I have to remain faithful and hold on to my own salvation. पर सबसे पहले मुझे अपना विश्वास, अपनी मुक्ति संभालनी है। And then my duty does not finish there. और मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हुई। God is expecting me to do something more. प्रभु चाहता है कि मैं इससे ज्यादा करूँ। Because I am alone, not the body of Christ. क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु के इस बदन में। I am alone, not the whole body of Christ. और मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु के इस बदन में। The whole body of Christ, the global body of universal body of Christ, is having many many members. प्रभु के इस बदन में सारे संसार में बहुत सारे सदस्य हैं। My one finger in my body is not my body. अकेली उंगली मेरा पूरा बदन नहीं है प्रभु का। My one finger should remain healthy. Very good. मेरी एक उंगली अच्छी हो सकती है। But my other fingers also should be healthy. पर मेरी बाकी उंगलियां भी तंदुरुस्त होनी चाहिए। The other parts of my body should also be healthy. और मेरे शरीर में सारे parts healthy होने चाहिए। One member of my family, one member of my body must encourage the other member of my body to remain healthy. और एक अंग दूसरे अंग को उत्साहित करे तंदुरुस्त रहने के लिए। One member cannot become selfish and neglect the other member. एक सदस्य मतलब ही नहीं हो सकता, दूसरों को नहीं ठुकरा सकता। We have to be healthy. हमें तंदुरुस्त रहना है। We have to make sure the others are also healthy. हमें ध्यान रखना है दूसरे भी ठीक हैं। That is why Paul is telling here in verse 24. इसीलिए प्रभु का दास कह रहा है। Continue, consider one another to stir up in love and good work. और एक दूसरे के साथ प्रेम में, पवित्रता में एक दूसरे की ध्यान लो। Bible says, if you love God, you will love your brother. Bible कहती है कि अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो अपने भाई से प्रेम रखेंगे। Who is my brother? अब मेरा भाई कौन है? Who is my sister? मेरी बहन कौन है? The one who belongs to the same body of Christ where I belong. वो उसी बदन से, उसी शरीर का अगर अंग है, वो ही विश्वास रखता है, वो मेरा भाई। These are the different members who belong to the same one body, which is Jesus Christ. जो उसी बदन, यीशु मसीह के बदन का कोई दूसरा अंग है। And the whole body must be healthy. वो पूरा शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। We don't want to see that our one part of the body is thrown in hell and the rest of the body goes to heaven. हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक हिस्सा कोई स्वर्ग जा रहा है और दूसरा नरक में। This is not a happy situation. ये अच्छी हालात नहीं है। So the body of Christ, प्रभु का बदन, must stay together and healthy. इकट्ठा रहना चाहिए और तंदुरुस्त रहना चाहिए। That is why if we are child of God, इसीलिए अगर हम प्रभु की संतान हैं, then we are the member of the body of Christ. तो हम प्रभु के बदन का हिस्सा हैं। Then we want to see that not only I am healthy spiritually, but another brother, another sister is also healthy and happy in the Lord. और इसीलिए हमारे दूसरे भाई बहन भी प्रभु में तंदुरुस्त और खुश होने चाहिए। So I will not only remain selfish. तो मुझे मतलब ही नहीं होना। In love and in my works and in my good works, I should make sure
that my brother and sister is also encouraged and remain spiritually healthy. तो मेरे सब कार्यों में मेरे भाई बहन जो हैं वो भी आत्मिक तौर पर उन्नति पाएं. That means I should stir up, I should encourage. तो मुझे उन्हें उत्साहित करना है. Now how do I do that? पर कैसे करूंगा? Now we go to verse 25. 25 में जो लिखा है. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो. This is the whole activity, whole duty of the church as the body of Christ. ये सारी कलीसिया की जो जिम्मेदारी है. Each member is responsible for another brother and another sister. हर भाई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है. We know God has given fivefold ministry in the church. प्रभु ने हमें पांच तरह की सेवा दी है. We know we have elders and deacons and evangelists and apostles in the church. कलीसिया में प्रभु ने हमें प्रेरित, नबी और टीचर साहबान दिए हैं. We know that in the church, while the church is on the earth, God has appointed his office. जब तक प्रभु ने इस पृथ्वी में अपनी कलीसिया रखी है, हमें ये दिए हैं ऑफिस. And the duty and responsibility of these elders and preachers and teachers are given in the word of God. प्रभु ने जिम्मेदारियां जो दी है इन मेंबरों को. And we know that these offices are held by the brothers. और प्रभु के भाई भाइयों को ये दफ्तर दिए हैं प्रभु ने. But we have the brothers and sisters both in the body of Christ. और प्रभु के बदन में भाई और बहन दोनों हैं. In order to maintain a good order in the church, और कलीसिया में एक अच्छा जो प्रबंध है, the offices of pastors and preachers and teachers and evangelists and elders are held by the brothers. और जो पांच तरह की सेवा है वो भाइयों को दी है. Their duty, they have been called as per a divine calling to preach and teach and supervise the word of the supervise the church. प्रभु के अगुवाई से कलीसिया को प्रचार करना और बनाए रखना प्रबंध में. So the church will grow spiritually and so that it will mature spiritually so that it will be accepted as the bride of Christ. ताकि प्रभु की कलीसिया आत्मिक तौर पर बढ़े और जब प्रभु आए और प्रभु के ग्रहण योग्य हो. But besides these offices, there is individual members in the church which are a brother and a sister. और इन सेवकाई के अलावा प्रभु ने और भी सदस्य रखे हैं. These are the members of the body of Christ. वो भी प्रभु के बदन का हिस्सा हैं. The members of the body of Christ are both male and female both. और उसमें भाई और बहन दोनों हैं. A brother and sister is both equally responsible to encourage each other. To encourage each other by good character and good works and by the Christian love. और जब दोनों ही एक अच्छे एक दूसरे को उत्साहित करें. That's why when we come together. इसीलिए जब हम worship and come together to honor God. जब भी हम इकट्ठा होते हैं. Each brother and each sister must be a source of encouragement for another brother and another sister. तो एक दूसरे के लिए वो मिसाल हों, उत्साहित करें एक दूसरे को. Sometimes we think that there is no activity for a sister in the church. कई बार हम देखते हैं कि कलीसिया में कोई बहन दूसरी कोई सेवा नहीं कर रही. There is a ministry. Fivefold ministry where the brothers are responsible. जो कलीसिया में पांच तरह की सेवा है जो वो भाई जिम्मेदार होते हैं. But in the body of Christ,
लेकिन प्रभु के बदन में सिस्टर्स डू नॉट होल्ड ऑफिसेस, जो बहनें हैं वो उन पांच सेवकाइयों को तो नहीं ले सकती, दे डोंट होल्ड द ऑफिसेस ऑफ लीडरशिप, वो जो लीडरशिप वाले हैं वो ऑफिस नहीं ले सकती, बट दे आर वेरी मच द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लेकिन वो प्रभु के बदन का हिस्सा हैं, दे आर आल्सो द ब्राइड, वो भी दुल्हन है, दे विल आल्सो गो टू हेवन, वो भी स्वर्ग जाएंगे, दे आल्सो हैव अ रोल टू प्ले टू एनकरेज ईच अदर, तो उनका भी जो रोल है वो है एक दूसरे को उत्साहित करना, ए ब्रदर एंड सिस्टर बोथ मस्ट शो ए कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, और भाइयों ने जो है वो प्रभु का जो रूप है वो सब दिखाना है, दे बोथ मस्ट शो द अगापे लव ऑफ जीसस, वो दोनों को अगापे प्रेम दिखाना है, दे मस्ट बी अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे को उत्साहित करना है, दे मस्ट शो द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए, दिस इज हाउ द होल चर्च विल ग्रो एंड एडिफाई, इस तरह कलीसिया उन्नति करती है, दिस इज हाउ गॉड इज ग्लोरिफाइड इन द चर्च, तो इसलिए प्रभु की महिमा होती है कलीसिया में, एंड इन एडिशन टू दिस द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री इज डूइंग देयर वर्क ऑफ प्रीचिंग एंड टीचिंग, जब पांच तरह की सेवा के अलावा, बट देन एज मेंबर्स ऑफ द चर्च, जो कलीसिया के सदस्य हैं, वी कम टुगेदर, इकट्ठे होना है, सो इन ही सेज, पॉल सेज इन वर्स 25, जो पौलुस कह रहा है 25 में, डू नॉट फॉरसेक द असेंबलिंग टुगेदर, एक दूसरे को ना छोड़ें, It is very important for brothers to come and attend the assembly. बहुत जरूरी है कि भाइयों के लिए इकट्ठा होना. Same way, it is essential for sister to assemble for the assembly. इसी तरह बहनों के लिए भी जरूरी है कि वो भी इकट्ठा होएं. Church is made of brothers and sisters both. कलीसिया भाइयों और बहनों दोनों से बनती है. Also the children. और बच्चों से भी. Sometimes people think, oh, my mommy daddy should go to church, but I am a child, so why should I go to church? कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप का जरूरी है चर्च जाना, मैं तो अभी बच्चा हूँ. But they don't know why God has given a life to a child to come into this world. प्रभु ने क्यों एक बच्चे को जीवन दिया है इस संसार में? All the life comes from God. सब जीवन प्रभु की ओर से आता है. And God knows each life before the life come into this world. और प्रभु हर जीवन को जानता है. So when the child is growing, और जब बच्चा बढ़ता है, child must grow in the supervision of a believing father and believing mother. तो बच्चा जो है एक विश्वासी माँ बाप के अधीन बढ़ना चाहिए. And that teaching of and grooming by a believing father and mother will bring the child to the assembly. तो फिर वो जो शिक्षा है वो बच्चे को कलीसिया लाएगी. They will bring the child into the assembly. बच्चे को कलीसिया में लाएगी. Oh, what for? क्यों? Not for something else, not for entertainment. कुछ और कार्य के लिए नहीं. But so that this child should also grow and learn in the assembly. ताकि वो बच्चा भी आत्मिक आगे बढ़े. And when this child grows, और जब ये बच्चा बढ़ता है, he will also become a matured member in the body of Christ. तो वो प्रभु यीशु मसीह के बदन का एक समझदार सदस्य बनता है. Then one day he need to also believe and acknowledge and confess and be baptized and be added to the body of Christ. एक दिन वो विश्वास करता है, तोबा करता है, प्रभु का नाम में बपतिस्मा लेकर फिर प्रभु के ही बदन का हिस्सा होता है. And that is how the body of Christ grows. इस तरह प्रभु का बदन बढ़ता है.
That is why it is very important for us as believers, brothers and sisters. भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। We should not forsake assembling together. हम एक दूसरे को मिलना ना छोड़ें। And this meeting is not for the sake of a dinner or a lunch or tea party. ये कोई हमारा इकट्ठा होना कोई डिनर के लिए या कोई पार्टियों के लिए नहीं होना चाहिए। Paul tells to Christians in the book of Corinthians chapter 11. 11 करिन्थियों 11 में संत पौलुस कहता है। He says, don't you have houses for eating and drinking? क्या खाने और पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? Do you come to assembly only for eating and drinking? तो क्या तुम सिर्फ खाने और पीने के लिए इकट्ठा होते हो? No, rather to encourage each other so that we grow as the body of Christ. ताकि एक दूसरे को उत्साहित करें ताकि प्रभु के बदन में बड़े भाई बहन। So we, when he says in verse 25, do not forsake coming to the assembly together. जो 25 आयत में लिखा कि एक दूसरे को मिलना ना छोड़ें। Because it is the tendency of some people to do like this, that they say, okay, the husband has come to the church and the wife is absent or the children are absent. क्योंकि बहुत परिवारों में है कि अगर पत्नी जा रही है तो पति कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर पति जा रहा है तो पत्नी कहती है कि मुझे जरूरत नहीं जाने की। And sometimes they don't encourage their children to come to us. और फिर बच्चों को भी नहीं वो प्रेरित करते चर्च आने के लिए। How will the body of Christ grow as a family? How? तो प्रभु का बदन कैसे बढ़ेगा? If the Lord comes today, अगर प्रभु आज आ जाए, and we are five family members in a family, और अगर पांच सदस्य हैं, and the Lord tells, I will only take one or two because they are faithful. कि मैं सिर्फ एक या दो को लेके जाऊंगा क्योंकि वो ईमानदार हैं। Do you think that we will be very happy if the Lord keeps the three people on earth? और हम बड़े खुश होंगे अगर प्रभु दो या तीन अगर लेके जाता है। Do you think we will be happy? क्या हम खुश होंगे? We will be very sad. हम उदास हो जाएंगे। We will say, Lord, why don't you take my children? हम कहेंगे प्रभु हमारे बच्चों को क्यों नहीं? Why would you not take my husband or my wife? आप मेरे पति को क्यों नहीं लेके जा रहे? आप मेरी पत्नी को क्यों नहीं लेके जा रहे? We are together as a family. Why we should not go? हम सभी परिवार हैं। हम इकट्ठे क्यों नहीं जा रहे? The Lord will say because you neglected coming together in the assembly. प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने इकट्ठे कलीसिया में आने के लिए मना किया। Because your full family is not ready for the rapture. क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार रैप्चर के लिए तैयार नहीं था। Jesus will only take those who are ready. प्रभु उनको ले जाएगा जो तैयार होंगे। If we don't come to learn and come together as an assembly, then how we can go as together? अगर हम कलीसिया नहीं आते, पढ़ते नहीं, सीखते, आगे नहीं बढ़ते, तो कैसे जाएंगे? If we don't encourage and prepare our children to come to the assembly and learn the word of God, हम कलीसिया में नहीं आते, ना पढ़ते, ना सीखते हैं। If we ourselves neglected, और अगर हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते, the children also will be neglected, तो बच्चे भी फिर इग्नोर करेंगे। Then how do we expect that God will take all of us? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि प्रभु परिवार को प्रभु लेके जाएगा? The Lord will say, forget about your wife, forget about your husband, forget about your beautiful children. I will not take those who are not ready. प्रभु कहेगा कि अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भूल जाओ। It was told to the family of Lot to come out of Sodom and Gomorrah. और प्रभु बहुत सारे परिवारों को
और जैसा उसने सदम और अमोरा में बोला कि इनमें से निकल आओ, गो आउट एज ए फैमिली, परिवार की तरह निकल आओ। दे केम आउट एज ए फैमिली फॉर सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी तक परिवार पूरा निकल के आया। बट मिडवे हिज वाइफ लुक्ड बैक, लेकिन बीच में उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। हर माइंड बिकेम केयरलेस, और उसका जो दिमाग था वो पूरा केयरलेस था। हर माइंड वाज नॉट 100% फेथफुल टू गॉड, क्योंकि उसकी पत्नी का ईमान पूरा 100% सही। हर माइंड वाज स्टिल कनेक्टेड टू हर कंट्री एंड हर थिंग्स एंड हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उसका दिमाग फिर भी अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ था। So she looked back. और उसने मुड़कर देखा। And we know from the Bible what happened to her. और हम सभी जानते ही हैं क्या हुआ। And Lot and his two daughters came out. लूत और उसकी दो बेटियां निकल पाई। We don't want to see this happening in our family, dear brothers. हम अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं चाहेंगे। We have to stir up our family members and also those who are near and dear to us to come and stay close to God. तो हमें अपने और अपने दाएं बाएं सबको प्रभु के साथ बनाए रखना है। So that it will be happy if all of us go together to be with the Lord. और फिर ये अच्छा हो कि हम इकट्ठे प्रभु के साथ जाएं। When a near and dear one from our family departs and is dead, जब हमारा नजदीकी गुजर जाता है, we go to graveyard and we all pray and believe. We show that we believe and we pray that we will see our dear ones in the heaven. तो we all say that. हम सभी कहते हैं कि एक दिन हम उनसे मिलेंगे. But can we think seriously whether we will really see them or not? क्या हम सचमुच मिलेंगे? Are we having a false hope? क्या हमारे पास ये गलत उम्मीद तो नहीं? How can we see each other if we all were not together in the kingdom of God? अगर हम सब प्रभु के राज्य में नहीं तो फिर हम कैसे मिलेंगे? If we were all not saved in our soul when we were still living. अगर हम बचाए हुए नहीं हैं तो कैसे मिलेंगे? If we have not experienced the new birth on this earth, अगर हमारा नए जन्म का तजुर्बा नहीं है, if we have not been justified and sanctified in human life, अगर हमने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, शुद्धिकरण नहीं हुआ, we will be very sorry because then we will not see our dear ones in heaven because they will not be in heaven. तो बड़ा दुख होगा कि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। And how sorrow it will be, how sad it will be when our near and dear ones or ourselves, we will be thrown in the fire and our near and dear ones will enjoy the life in heaven. और अगर हमें नरक में गिरा दिया जाएगा, कितना दुख होगा। To prepare for our life in heaven, to prepare for our hope to see the dear ones in heaven, we have to prepare now. Today is the day. तो आज वो दिन है कि हम अपने आप को तैयार करें अपने उन अजीजों को देखने के लिए। So we have to take it seriously, brothers. इसको सीरियसली लें भाई और बहनों। The scripture we have just read, जो हमने कलाम पढ़ा, the scripture we have just read, we have to give serious thought to. तो हमें सीरियसली लेना है सभी को। That we must put on the whole armor of God ourselves. हम सभी सारे हथियार बांधे। Then we have to also encourage the other members of the family and dear and near ones so that they can also put on the armor. उत्साहित करें सबको ताकि वो सब हथियार बांधे। And then we must come together in, as a whole, as the body of Christ into this. और फिर प्रभु के साथ इकट्ठा हों बदन में। Many times it can happen. Even though we are available, even though we are simply at home, or we are playing games, or we are going shopping, or we are doing something else, and we are not essentially at work or something. कई बार हम घरों में, कामों में, खेलकूद में होते हैं।
वी टेक इट इजी बड़ा हल्के लेते हैं and one member of the family will say oh you go to the church because we can't go we are very busy घर के एक मेंबर को बोल देते हैं कि आप चर्च जाएं imagine in that church assembly if the lord comes मान लीजिए प्रभु उस वक्त आ जाता है while we are worshiping if the lord comes जब प्रभु की उपासना कर रहे हैं तब आ जाए and the lord says Where is your husband? Or where is your wife? Or where are your children? और प्रभु कहे कहाँ है तुम्हारा परिवार? And the Lord Himself knows where the family is. प्रभु जानता है. And then I say, Oh Lord, I'm sorry they were this and that. और हम कहें माफ करें प्रभु वो इधर है उधर है. Then the Lord will say, Forget about it. They are not going. प्रभु कहता भूल जाओ वो नहीं जा रहे हैं. How we will feel? हम क्या करेंगे? We should not allow a single opportunity to be away from the assembly, brothers and sisters, serious matter. हमें बिल्कुल भी प्रभु की संगति से दूर नहीं रहना. We cannot take it for granted. Oh, this Sunday, my husband or my wife or my children did not go to assembly. We will go next Monday, next Sunday, then we will see. तो हम कहेंगे नहीं. इस संडे नहीं जा सकते अगले रविवार जाएंगे Because we think the Lord will come not this Sunday but Lord may come next Sunday ये नहीं कि प्रभु इस संडे नहीं आ रहा अगले संडे आ रहा है But what if the Lord comes tomorrow पर प्रभु अगर कल आ जाए If he comes in next 2 hours अगले 2 घंटे में By Jesus himself said nobody knows the day and the hour कोई दिन और घड़ी को नहीं जानता So what is the message? आज का संदेश ये है। Be ready always. तैयार रहें। Be ready today. तैयार रहें। Be ready now. अभी तैयार रहें। Because it can happen now. अभी भी हो सकता है। It may not happen for 30 years, 20 years. अगर आगे ना हो। But what is the guarantee? पर क्या गारंटी है? Who, which pastor can give a guarantee? Don't worry. After 10 days, Lord will come. Before that, I can guarantee He is not coming in next Sunday. Who can guarantee? कोई भी गारंटी नहीं दे सकता. Even the pastor can go to dust. Pastor, he can go to grave after 2 days. Who is giving guarantee? Pastor भी जो है वो भी कब्र में जा सकता है 2 दिन बाद. There is no guarantee of our life on this earth, brothers and sisters. भाई और बहनों हमारी कोई गारंटी नहीं है. People only think, oh, the Lord will come, then things will happen. लोग सोचते हैं जब प्रभु आएगा तब ये चीजें होंगी बट व्हाट इफ आई लीव द वर्ल्ड टुडे देन व्हाट हैपन और अगर आज मैं संसार छोड़ जाऊं तो डू आई हैव अ कंट्रोल ऑन दिस मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं आई डोंट नो नोबडी नोस यू डोंट नो नोबडी नोस द डे ऑफ आवर लीविंग दिस अर्थ नोबडी नोस कोई भी नहीं जानता एंड नोबडी नोस द डे ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड प्रभु उस दिन कोई नहीं उस दिन को जानता Jesus himself said even the son does not know even the angels of the heaven don't know except father पुत्र नहीं स्वर्गदूत नहीं सिर्फ पिता जानता है We must be ready brothers and sisters this is a very serious matter भाई और बहनों आओ हम तैयार हों Lord may not come for next 2 years or 3 years or 5 years doesn't matter 2 साल 5 साल भी प्रभु ना आए I may not die for next 2 years or 3 years. Doesn't matter. चाहे मैं ना मरूं 2-3 सालों में कोई भविष्य नहीं. But how do I know? How do I know that it is not going to happen? पर मैं कैसे जानूंगा ये नहीं होता? I must be ready today. मुझे आज तैयार रहना है. I must not forsake assembly. मुझे कलीसिया नहीं छोड़नी. I have to remain encouraging others. दूसरों को उत्साहित करता है. I have to put on the full armor of God. मैंने सारे हथियार बांधने हैं। Now and always। अब और हमेशा। So that when the Lord comes। ताकि जब प्रभु आए। Then he will say। Okay। Well done, my faithful child। शाबाश मेरे बच्चे। Come and enjoy the wedding supper। आओ आनंद करो। Come with me। मेरे साथ आओ। And spend the eternal life। जीवन लो हमेशा का। So let us be ready, brothers and sisters. आइए
भाई और बहनों हम तैयार हूँ। Let us pray not only for ourselves but for our brothers, sisters, our children, our family. आइए हम प्रार्थना करें अपने लिए। So that we are together as body of Christ. ताकि बदन बने। So that we are not left behind. पीछे न रहें। A part of the body should not be left behind. पीछे न रह जाए। Full body should be edified and glorified. पूरा बदन जाए। Because the head of the full body is Lord Jesus. सर प्रभु ही है। Lord Jesus is not only the Lord of my hand or my eye. प्रभु कोई आँख हाथ नहीं सर है। He is the full body. पूरा शरीर है। The head controls the full body, not only a part of the body. सर सारा कंट्रोल करता है। So may God help us, guide us, brothers. प्रभु हम सब की सहायता करे। We must surrender to him every time, every day till we are on this earth. जब तक संसार में हैं प्रभु के अधीन रहें। The day is approaching every day. हर दिन उसका दिन है। God bless you. The day of the coming of the Lord is coming close and close and close and close every day. प्रभु की आमद नजदीक होती है। So we must remain more serious every day. हम सीरियस रहें। And we must be prepared. तैयार रहें। God bless you all. प्रभु आपकी मदद करे। And thank you, brother Jasminder, for translation. God bless you. Now we will close this meeting with the thanksgiving and with the word which we have just now heard. This applies to me, this applies to you, this applies to all of us who are here, and those who were not here, it applies to them also. So that we must take it seriously when we hear this recording. Because this is not my word, this is not Brother Jasvinder's word, this is the word of God. So, isliye hum sab apni taiyari ko kaim rakhein, barabar rakhein, aur ab hum is sabha ko samapt karte hain, bhai Surender ke saath hum prarthna karenge, uske baad hum is meeting ko karte hain. Over to Brother उसने अपने वचन को तोड़कर हमें खिलाया। हम उसके बड़े शुक्र गुजार हैं। हम जैसे भी हैं हम उसके पास आते हैं अपने सर उसकी हुजूरी में झुका। हमारे आसमानी बाप स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हमारे आत्मा प्राण दे के रखवाले जिंदा खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं प्यारे बापा आसमानी आज के दिन के लिए प्रभु। तूने ये शुभ अवसर प्रदान किया प्यारे पिता ताकि तेरे बच्चे जो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं प्यारे बापा आसमानी तेरे इस नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सब नामों में श्रेष्ठ है तूने हमें इस जूम मीटिंग में प्रभु जी जूम चैनल पे इकट्ठा होने का तूने फजल दिया। बापा आसमानी आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यारे बापा आसमानी आज के जीवनदायक रोटी तूने हमें तोड़कर खिलाई प्यारे पिता। इस रोटी पर तेरी ब्लेसिंग हो प्यारे पिता। ये तेरी महिमा के लिए और हमारे लाभ का कारण हो सके ताकि प्यारे बापा आसमानी हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर सके क्योंकि हम युद्ध में है प्यारे प्रभु। अनुग्रह प्रदान कर ताकि हम अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए जो तेरे वचन में लिखा है सारे हथियारों को बांध ले प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता हमारे दिए जलते रहें प्यारे प्रभु यीशु मसीह और हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहे प्रभु और सारे हथियारों के साथ अंधकार की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य उससे हम लेते रहें प्यारे पिता ताकि विजयी होकर प्यारे बाप आसमानी तेरे साथ बादलों पर उठाए जा सके। प्यारे बाप आसमानी हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु जूम मीटिंग पे इकट्ठा होना प्यारे बाप आसमानी तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे पिता। जितने तेरे बच्चे दूर दूर से इस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे। इनके परिवारों को बड़ी आशीष दे। इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जो भी प्यारे बाप आसमानी गा बजा कर तेरे बच्चों ने तेरी स्तुति और बढ़ाई की है प्रभु तेरे घर में गाया है प्रभु अपने होठों को खोला अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाए प्यारे पिता। दुआ और प्रार्थना और गाने में प्रभु यीशु मसीह वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी
स्वर्गीय मन्ना के लिए प्यारे पिता अपने दास के द्वारा तूने हमारे बीच में अपना स्वर्गीय मन्ना भेजा प्रभु जी, अपने दास को बड़े आशीष दे प्यारे पिता। ट्रांसलेशन करने वाले भाई को बड़े आशीष दे, भाई जसविंदर को बड़े आशीष दे, उसके परिवार को बड़े आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी हमने जो सुना है प्यारे पिता, हम इस पर सुनने वाले नहीं बल्कि प्यारे बाप आसमानी हम एक्शन लेने वाले हो सके प्रभु। अब तक हमने बहुत ढिलाई की प्रभु जी, हमें जैसा होना चाहिए हम वैसा अपने आप को पाते नहीं है प्यारे पिता। हम जैसे भी है प्यारे पिता, हम तेरे पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह और अपनी आंखें तेरी ओर लगाए हुए हैं प्यारे प्रभु। अपनी आत्मा से तू हमें सामर्थ्य से भर दे प्यारे बाप आसमानी, ताकि हम तेरे योग्य फल लाने वाले हो सके प्रभु। हम बैरन ना रह सके प्रभु, हम वो बांझ ना रह सके प्यारे बाप आसमानी, लेकिन तेरे लिए फ्रूट देने वाले हो सके प्यारे पिता। बाप आसमानी और अपने उठाए जाने को निश्चय करने वाले हो सके प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता तू हमें रह तेरी फेस दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे विश्वासों को बढ़ा प्यारे पिता। बाप आसमानी हमें परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह इस पृथ्वी पर मिले प्यारे प्रभु, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी जो जो उस दिन को आते टिकट आते देखे प्यारे पिता, हम और अधिकारी से प्रभु जी एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे से मिलना जुलना ना छोड़े प्यारे बाप आसमानी। ये तेरी आज्ञा है प्यारे बाप आसमानी, तेरी आज्ञा को अपने हृदय में संजो के रखते प्यारे पिता। बाप आसमानी ये तेरी कमांडमेंट है प्रभु, हम इन पर चलने वाले हो सके प्यारे पिता। हम प्यारे पिता सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि इन पर चलने वाले हो सके और तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी इस मार्ग में चलते चलते प्रभु जैसे हनोक तेरे साथ उठा लिया गया था, हम भी तेरे साथ उठा लिए जाए और इस संसार से एक दिन लोप हो जाएंगे प्यारे पिता। जितनों को तूने प्रभु यीशु चुना है प्रभु जी और ठहराया भी है हमारे सिलेक्शन इलेक्शन के लिए प्रभु, जो जगत की उत्पत्ति से तूने किया है प्यारे पिता, हम हृदय की गहराई उस तरह धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हर एक बच्चे को हर एक जन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। तेरे बच्चे जब इस पे मिलते हैं प्यारे पिता, जब तू अपने बच्चों के बीच में आता है प्यारे पिता, हमारे हृदय में उत्तेजना उत्पन्न होती है प्यारे बाप आसमानी। तू हमसे बातें चीते करता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे मिलने नहीं जाते प्रभु, तू हमारे घर आ जाता है प्यारे प्रभु। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे बाप आसमानी, तू हम पर दया कर, दया में होते हुए प्रभु यीशु मसीह तू हमसे डील कर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी हम अच्छे नहीं है, लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता, जिसने प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त हमें भी इस पृथ्वी पर रखा हुआ है प्रभु, ताकि हम उसके एक अच्छे गवाह बन सके प्यारे बाप आसमानी। एक अच्छी गवाही देने के लिए प्रभु तूने हमें रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय और मन का जांचने वाला परमेश्वर तू है प्यारे पिता। बाप आसमानी हमारे मनों में जो असाध्य रोग लगा है प्रभु, इस संसार की भौतिक अभिलाषाओं में जो हमारे मन दौड़ते हैं प्रभु, उन सब से काट और छांट प्रभु यीशु मसीह, अपनी वो प्यारे पिता तलवार चला प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे पिता दुनियादारी से प्रभु यीशु मसीह हम कट कर पाए पिता, हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु, उस ज्योति में चलने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, अंधकार के कामों को तज सके प्यारे पिता, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्यारे बाप आसमाने। सब कुछ तेरे द्वारा संभव है प्यारे पिता, यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है प्यारे बाप आसमाने, उस कोड़ी के समान में हमारी ये प्रार्थना है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमाने हर एक बच्चे को तू पवित्र और शुद्ध कर दे प्यारे पिता, ताकि तेरे उस रैतनिक फेत में प्रभु जी सरगर्म होते हुए प्यारे पिता, जिस दिन तू आए प्रभु हम तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए प्रभु, हमारी तैयारी के लिए तू हमारी सहायता मदद कर, अपने आत्मा को भेज दे प्रभु यीशु मसीह, हमारे नए जन्म कर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे नए जन्म के अनुभव में हमें ले चल प्यारे पिता। बाप आसमानी हमारा आशा और भरोसा तुझ पर है और तू ऐसा करेगा प्यारे पिता, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे नाम अपने मेमने की पुस्तक में लिख लिए थे प्यारे पिता। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तेरी बातें अनमोल है प्यारे पिता। बाप आसमानी जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे लिए वचनबद्ध करके रखी है प्रभु, ताकि तेरे बच्चे पढ़े और अपने आप को तैयार कर सके प्यारे पिता। प्यारे पिता इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अच्छे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी। प्यारे पिता हर एक भाई बहन को प्रभु जब तक हम दोबारा मिलते हैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता, और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरा रहम मांगते हुए छोटी सी विनती अपने निज उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम में होकर मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड गॉड फॉर दिस वंडरफुल प्रेयर, प्रेयर ऑफ थैंकगिविंग एंड फेथ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हम सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, हम आपस में मिलना जुलना ना छोड़ें, एक दूसरे को एनकरेज करें। हफ्ते के दौरान भी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कभी किसी सभाओं में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करें।
ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।